क्वेश्चन है कि ए यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल प्लस टू ए बी कॉस थीटा बराबर क्या दिया हो ए स्क्वायर प्लस हमको सिद्ध करना है टेन थीटा। टेन थीटा कब आएगा जब कॉस से सब में भाग दे दो। कॉस से क्या कर देते हैं भाग दे दो। समीकरण में कॉस थीटा से क्या करें भाग देने पर वही दोनों तरफ भाग देने पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ही क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा है बाय कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन बाय कॉस कॉस साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक थीटा। ठीक है हम चाहते हैं टेन थीटा से सेक थीटा घटाना पड़ेगा दोनों और वर्क कर क्या करें दोनों और वर्क करने पर दोनों और क्या करने पर वर्क करने पर क्या हो जाएगा बच्चा अगर कहें वर्ग तो टोटल का ना वर्ग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा प्लस टू ए बी का होल स्क्वायर में भी टोटल का वर्ग ए स्क्वायर प्लस सेक थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा ये हो गया ए ये हो गया बी ये टोटल क्या है ए ये है बी तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी की जगह पर टू ए बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की जगह पर टोटल टोटल लिखेंगे तब ना बी लिखेंगे अब बी की जगह पर टू ए बी है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये होता है। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ये होगा ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चा रे कि एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इसी लॉजिक पे लगाया ना ये है? अब देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का प्लस टू टू जा फोर ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर। अब देखो इसको रहने दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है लेकिन सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका हमने कोई चेंजिंग नहीं कर रहे ठीक है। अब इसको अंदर लाते ध्यान से देखना माइनस लिखेंगे इसको वन से गुना करेंगे ना तो प्लस में अंदर आएगा तो इसको भी करेंगे लेकिन प्लस में इधर बराबर की इधर क्या है प्लस में अंदर आएगा तो गुना में नहीं करिए इसको इससे गुना किया क्या हो वन है तो वही ना हो जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो वही हो जाएगा लेकिन जब अंदर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर अंदर में अंदर लाने का कारण था इसको इससे मैच करो है ना मैच कैसे जाएगा बराबर बराबर नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर टेन स्क्वायर है ना ठीक है। अब देखो टेन थीटा वाला करा दे प्लस फोर ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ठीक है, माइनस कॉमन, यहां से देखना माइनस कॉमन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रोड ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे किए, ये कोई ये चीज बचा है, वो ये चीज बचा, बीच वाला तो लिख दिया, यहाँ पे बीच वाला लिखा गया ना, शुरू और अंतिम को तो कॉमन कर दिए, ठीक है। अब ये बचा कि माइनस कॉमन, ये तो प्लस वाला चीज माइनस में आ जाएगा, अब माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। एक फॉर्मूला होता है बच्चा याद रखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए, ये फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना माइनस, ये हो जाएगा ए माइनस बी का प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा ना तब माइनस रहेगा, ये प्लस रहता तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी का, लेकिन ए की जगह पे क्या है ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर यहाँ देखो क्या है ए की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे उसके बाहर में स्क्वायर है। यहाँ सिंपल था ए माइनस बी था खाली, ए के ऊपर में स्क्वायर नहीं था, अगर स्क्वायर ऊपर में अंदर हो ना स्क्वायर देंगे। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो समझो एक बात, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस कर देंगे ये होगा ना माइनस, माइनस नहीं बीच में, तो माइनस करने से क्या हो गया ए माइनस बी का माइनस ए प्लस बी का ई कट गया, नहीं कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस फोर ए होगा कि नहीं होगा माइनस फोर ए, इसके जगह क्या लिखेंगे माइनस फोर ए बी। बट ध्यान से देखो यहाँ ए था, लेकिन यहाँ ए की जगह क्या है दोनों में स्क्वायर चल जाएगा है? लेकिन माइनस लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में माइनस ना बचा, काटने में क्या बचा माइनस बचा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा था प्लस इस, हाँ इस, इसका टेन थीटा छोड़ दिया या टेन थीटा होगा, ठीक है। अब क्या होगा प्लस फोर ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा माइनस, इसके जगह पे क्या आएगा यही रहेगा है, समझाने के लिए तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इंडिविजुअली का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से करें, माइनस को कॉमन कर देते, क्या करते हैं कॉमन, माइनस को कॉमन कर देते, माइनस कॉमन और साथ में इसको लिख सकते टू ए बी का होल स्क्वायर, लिख सकते टू ए बी का माइनस कॉमन, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा टू इन टू टू ए बी, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर होगा जरूर, लेकिन टेन थीटा के साथ ना होगा, सही बोल रहा है, यहाँ टू ए बी टेन थीटा, क्योंकि टेन में भी स्क्वायर है तो सब में स्क्वायर हो जाएगा, सब दो दुनी चार, दो दुनी चार होगा, दो दुनी चार, ए स्क्वायर का ए बी स्क्वायर का बी, सबको बाहर कर दिए स्क्वायर में, क्या किया सबको बाहर कर दिए, ये क्या होगा दो दुनी चार होगा, दो दुनी चार ए बी में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला पे है अगर ध्यान से देखो तो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको लिखे वहां ऊपर में लिखे थोड़ा सा, ये क्या बन जाएगा अगर हम कहें तो, ये बन जाएगा माइनस कॉमन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक जगह क्या है माइनस बी की जगह क्या है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर जीरो, माइनस हट जाएगा उधर जाएगा तो क्या होगा टू ए बी टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
जीरो, टू ए बी टेन थीटा होगा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब आ गया आंसर, यही आंसर निकालने का था, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय टू ए। लास्ट क्वेश्चन था 8.4 का, हाँ तो जीरो का रूट क्या हो, जीरो का रूट करेंगे क्या हो, जीरो।